दोस्तों, एक ईगल की उम्र 30 से 40 साल होने के बाद उसके पंख कमजोर हो चुके होते हैं और चोंच की शार्पनेस भी जाती रहती है, जिसकी वजह से ना ही ईगल ढंग से उड़ पाते हैं और ना ही शिकार कर पाते हैं। इसकी वजह से ईगल के मरने की नौबत आ जाती है, तब ये उड़कर किसी सुनसान ऊंची चट्टान पर चले जाते हैं, अपनी चोंच से पंखों को उखाड़ फेंकते हैं और चोंच और पंजों को चट्टान पर मारकर तोड़ देते हैं। 3 से 4 महीने तक भूखे रहने के बाद इनकी एक नई चोंच और नए पंख उगाते हैं। ऐसे 7 से 8 महीने के दर्द भरे प्रोसेस से गुजरने के बाद ईगल आसमान में फिर से राज करने के लिए तैयार हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, एक व्यक्ति दिन में अपनी पलकें इतनी बार झपकाता है कि वो कम से कम आधे घंटे सोने के बराबर है।